नमस्कार, स्वागत है आपका एक ब्रेक के बाद। अब मैं बात करने जा रहा हूँ वापस बॉलीवुड की, और पत्रलेखा नाम की जो एक्ट्रेस हैं वो दिखाई देंगी अभी आपको अगली कुछ ही दिनों के बाद प्रदीप सरकार की आने वाली फिल्म अरेंज मैरिज के अंदर। पत्रलेखा ने कहा कि ये फिल्म एक बड़ी प्रोग्रेसिव फिल्म है। फिल्म जो है रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करेगी, किस तरह फैमिली इन्वॉल्व होती है, किस तरह एक अरेंज मैरिज के दौरान जो है लोगों के इंटरेक्शन होते हैं आपस में। और हीरोइन ने ये भी बताया हम लोगों को कि जो उसका कैरेक्टर है बड़ी ही एक शांत और एक बड़ी ही टिमिड लड़की का है, बहुत ही जो दब्बू किस्म की लड़की है उस तरह का। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये बात भी कही कि फिल्म बड़ी प्रोग्रेसिव है और एक बहुत बड़ा ऑडियंस का तबका जो है उस फिल्म के साथ अपने आप को जोड़ करके देख सकता है। इस फिल्म में पत्रलेखा ने जो है रोल किया है एक बंगाली लड़की का। मैंने पहले काम किया था सिटी लाइट्स में, मैं कह रहा हूँ सिटी लाइट्स की जो एक्ट्रेस है ये सरकार के साथ पहली बार काम कर रही है, और उन्होंने कहा कि सरकार के साथ काम करने का जो पूरा प्रोसेस है उन्होंने बहुत इंजॉय किया। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही काम के प्रति जो है बहुत ज़्यादा लव और पैशन दिखलाते हैं, कई बार जो बड़ा अच्छा लगता है और कई बार एक्सट्रीमली इरिटेटिंग भी हो जाता है, क्योंकि कोई आदमी जो है इतना ज़्यादा अपने फन में माहिर हो कि अपने उसमें डूबा रहे, इरिटेशन तो होता ही है देख करके कि यार इतना बड़ा परफेक्शन और काम है। लेकिन उन्होंने कहा कि उनसे इतना कुछ सीखने को मिला है कि अब ऐसा लगता है कि उनसे काम करके मेरा सौभाग्य था कि मैंने उनके साथ काम कर लिया। उन्होंने कहा कि मेरी बकेट लिस्ट जो है अच्छे डायरेक्टर्स की उसमें से एक नाम कट गया। दादा जो हैं उनका प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ऐसा लगता है कि उनके शरीर में एक कहीं कोई टीनेजर छुप करके बैठा हुआ है जिसके अंदर इतनी एनर्जी है, ऐसा उफान है कुछ नया करने का। वैसे इस फिल्म में मैं बता दूं कि जो मेल कैरेक्टर है उसका रोल कर रहे हैं अली फजल, और ये फिल्म बहुत ही अच्छे से प्रोग्रेस मेरे ख्याल से करेगी। मैं आशा करता हूँ कि ये फिल्म हम लोगों को कुछ नया देखने का मौका देगी, और मैं आशा इस बात के लिए भी कर रहा हूँ क्योंकि पत्रलेखा जो है इन्हें अभी तक कोई ऐसा मौका मिला नहीं है कि वो जनता के सामने बहुत ज़्यादा खुल करके आ सकें, बहुत ज़्यादा उनके बारे में डिस्कशन किया जा सके। हो सकता है ये वो फिल्म हो जिसके बाद उनके बारे में भी बातचीत होने लगे, उनके अभी नाम आने लगे, जब नाम लिया जाए अच्छी इस समय की चलने वाली हीरोइनों का। तो आशा करता हूँ कि ये फिल्म हम लोगों को जल्द ही देखने मिलेगी। जैसे जैसे मुझे इसके बारे में खबर मिलती जाएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। हो सकता है कि इस फिल्म के बारे में हमें कुछ अच्छी ऐसी बातें पता चलें जिसके बाद कि हमें इस फिल्म को देखने का और ज़्यादा मन कर जाए। आशा करता हूँ जल्दी ही मिलूंगा मैं आपको इस फिल्म के बारे में और जानकारी लेकर के। वैसे अभी कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आ रहा हूँ। जी हाँ, इसके बाद तुरंत वापस आऊँगा और आपको एक बहुत ही जानदार खबर सुनाने जा रहा हूँ, बड़ी नई इंटरेस्टिंग खबर है। देखते रहिएगा मेरा प्रोग्राम। धन्यवाद।